गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम आप लोगों को एन एम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संगठन में आज हम आप लोग पढ़ाएंगे उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर के बारे में तो देखिए यह ग्रामीण समुदाय के लिए स्वास्थ्य की प्रथम इकाई है यह जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य की प्रथम इकाई है तो इसमें जो है स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्तर तक प्रत्येक नागरिक को प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की गई उसमें जो है यह प्रथम है उप स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र की पाँच हज़ार की जनसंख्या होती है उप केंद्र पर सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं एक उप केंद्र पर जो है पाँच हज़ार की जनसंख्याएं होती है और सभी केंद्र पर सभी प्रकार की जो चिकित्सा से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं यह क्या है ग्रामीण समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रथम इकाई है जो समतल क्षेत्र है वहाँ पाँच हजार की जनसंख्या और जो पहाड़ी क्षेत्र पर तीन हजार की जनसंख्या पर एक जो है सब सेंटर की सुविधा उपलब्ध होती है स्टाफ की संख्या में देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता एक इस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र पर एक सब सेंटर पर स्टाफों की संख्या तीन होती है आगे देखिए कुछ राज्यों में आठ उप केंद्रों पर जी एन एम की नियुक्ति की जाती है कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आठ उप केंद्र जो हैं वहाँ एक जे की जी एन एन एम की नियुक्ति की जाती है छह उप केंद्रों पर छह महिला स्वास्थ्यकर्ता के कार्य का सुपरविजन एच एल वी करती हैं है उनका जो सुपरविजन है एच एल वी करती हैं आगे देखिए उप केंद्र के कार्य फंक्शन ऑफ सब सेंटर उप केंद्र के क्या कार्य हैं फंक्शन ऑफ सब सेंटर इसमें देखिए फर्स्ट है मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं माता और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना मातृ एवं शिष्य सेवाएं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देना सेकंड देखिए परिवार नियोजन सेवाएं प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना प्रजनन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध तो कराना परिवार परिवार नियोजन सेवाएं परिवार नियोजन से संबंधित नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना नेक्स्ट देखिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध तो कराना रेफरल सेवाएं एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रेफरल सेवाएं प्रदान करना और प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं सेवाएं होती हैं उन्हें प्रदान करना नेक्स्ट देखिए उपकेंद्र पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य फंक्शन ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर ऑफ सब सेंटर एक उपकेंद्र पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के क्या कार्य होते हैं देखिए इसमें फर्स्ट है प्रजनन व बाल सेवाएँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रजनन व बाल स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्रदान करना लोगों को प्रजनन व बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना नेक्स्ट है परिवार नियोजन स्वास्थ्य सेवाएं देना परिवार नियोजन से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का हेल्थ का वर्कर जो होता है एक उपकेंद्र पर उसका कार्य होता है परिवार नियोजन से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं होती हैं उन्हें लोगों को प्रदान करना नेक्स्ट थर्ड है संक्रामक बीमारियों की रोकथाम तुरंत सेवा सूचना देना संक्रामक जो बीमारियां गांव में फैलती हैं उसकी जो है तुरंत रोकथाम करना और उसकी सूचना तुरंत ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देना नेक्स्ट टीकाकरण कराना टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना टीकाकरण कराना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य होता है कि बच्चों को टीकाकरण कराना बच्चों और मा मातृ एवं शिशु टीकाकरण उपलब्ध कराना नेक्स्ट है गर्भ की चिकित्सीय समापन एम टी पी गर्भ की चिकित्सीय समापन करना नेक्स्ट जो है पोषण संबंधी सेवाएं देना महिला स्वास्थ्य का कार्य होता है कि पोषण से संबंधित जो सेवाएं होती हैं उन्हें लोगों को प्रदान करना राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअियान में सहयोग देना राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअियान में अपना सहयोग प्रदान करना दाइयों का प्रशिक्षण कराना तो दाइया होता जो है प्रशिक्षित करना दाइयों को प्रशिक्षण देना उन्हें शिक्षित करना